गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू इंडिया सॉरी वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है नशीष अरोलकम यू ऑल ऑन राजस्थान थ्री सिक्सटी यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी फॉर स्पेशली फॉर राजस्थान एग्जाम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे ही आप अन अकेडमी पेज ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये बैनर दिखाई देगा सो यू देर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन से आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर राजस्थान के सभी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं बाय अ सिंगल सब्सक्रिप्शन इट्स अबाउट मी इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज आशीष अरोरा इसी नाम से आप मुझे एनअमी प्रोफा पर फॉलो कर सकते हैं ऐप पर मेरी प्रोफाइल आशीष अरोरा के नाम से ही है जहाँ पर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मैं रेगुलरली स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ वहाँ पर आज भी मॉर्निंग में आठ बजे थी और कल भी रहेगी शाम को क्लास स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए आप सिंपली मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं दस वर्ष से ज़्यादा पढ़ाने का अनुभव साथ ही साथ जो मैक्सिमम प्रैक्टिस में आप लोगों से कराता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होता है लगभग पाँच हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आज की क्लास में भी हम लगभग तीस से पैंतीस क्वेश्चन करेंगे कैसे रजिस्टर करना है अन अकेडमी के लिए जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर लर्निंग वाई इट इज बेस्ट स्टेप फॉर लर्निंग क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्लासेज आपको लाइव मिलती हैं डेली लाइव क्लासेज वो भी कंट्री के टॉप एजुकेटर्स से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं एज पर द लेटेस्ट सिलेबस लाइव टेस्ट एंड क्विज दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ अन अकेडमी लाइव टेस्ट एंड क्विज कि जैसे ही आप एक्सेस करते हैं तो अपनी रैंकिंग आप ऑल इंडिया रैंकिंग स्टेट वाइज रैंकिंग सारी चीजें आप देख सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस है लाइक like आपने वन ईयर या टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड चल रहा है तब तक आप अपनी क्लासेस को एनी टाइम एनी वेयर कभी भी कहीं से भी अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस से मोबाइल तो है ही मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप पीसी स्मार्ट टेलीविजन इन सबसे आप अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं दीज आर द एजुकेटर्स टीचिंग कैटेगरी अलोंग विद मी आप एक सिंगल साफ प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल करके सभी की क्लासेस पर एक्सेस ले सकते हैं जैसे है यूनिक इनिशिएटिव ऑफ अन अकेडमी अन अकेडमी स्टूडेंट्स फीडबैक फॉर्म इसके थ्रू आपको कुछ नहीं करना आपको एक सिंगल सब फीडबैक फॉर्म फिल करना है सिंपल सा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है लाइक आपको आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है फिर अपना नेम फिर फोन नंबर देन आफ्टर जिस भी एजुकेटर से आप बात करना चाहते हैं लाइक आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा नेम फिल करके इसको सबमिट कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो वी विल कांटेक्ट यू हम आपसे बात कर लेंगे जिस भी आपका जो प्रॉब्लम होगी वी विल मेक इट सॉल्व दीज आर द आर पी एस सी सब्सक्रिप्शन प्लान्स और ये आर पी एस सी के प्रत्येक एग्जाम के लिए राजस्थान में होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन पर्याप्त होता है जिसके थ्रू आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवार कांस्टेबल, आरएएस, प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजें आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से अवेल कर सकते हैं तो एक हर एक एग्जाम एक के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप कंप्लीट कोर्सेज पर एक्सेस कर सकते हैं आशीष इलेवन मेरा रेफरल कोड है लेकिन देखिए टू ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है एटी फोर एटी फोर हंड्रेड वन ईयर का सेवन थाउजेंड का सब्सक्रिप्शन है जैसे आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे तो देखिए छः हज़ार तीन सौ का रह जाएगा और चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र सात हज़ार पाँच सौ साठ का रह जाएगा तो तीन सौ पंद्रह रुपये पर मंथ में आपको कंट्री के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है सो डोंट लेट इट गो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे सो यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आशीष इलेवन मेरा रैफल कोड है इसको आप सभी कोर्सेज पर भले से ही वो यूपीएससी का हो आरपीएससी का हो किसी भी कैटेगरी का हो बैंक का हो एसएससी या अदर स्टेट पीसीएस सिर्फ आपको मेरा कोड अप्लाई करना है आपको टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मेले देखिए राजस्थान तरंगी संस्कृति का प्रतीक है यहाँ पर बहुत से मेले भरते हैं अगर मैं बोलूँ कि राजस्थान मेलों का प्रदेश है तो भी अच्छी बात है क्योंकि तो देखिए क्या होता है कि मेले मेल का मतलब मेल, मेल से मेले बने हैं तो जहां पर लोग जुड़ते हैं उसे ही मेले बोलते हैं किसी विशेष प्रायोजन पर या किसी के जन्म दिवस पर यह मेलों की परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो लेकिन मेले आज मैं कुछ है कि आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेले पढ़ाऊँगा क्योंकि तो उसके बाद जब मैं त्योहारों पर आऊँगा राजस्थान के तो त्योहारों के साथ सारे के सारे मेले भी क्लियर हो जाएंगे जब क्षेत्रीय विस्तार में मैं मैप पढ़ाऊँगा तो संभागीय स्तर पर होने वाले मेले सारे क्लियर हो जाएंगे जैसे कि बिकानेर की बात करते हैं तो बिकानेर बिकानेर का दर्शनीय स्थल क्या स्थान क्या है देशनोक तो वहां पर देशनोक कर्णी माता का मेला कतिया सर का मेला मनसा देवी का मेला तो ऐसे संभागीय स्तर पर भी मेले आपको याद कराऊंगा लेकिन मेले याद करने से पहले आपको जो भारतीय वर्ष के महासमस्त याद होने चाहिए पहला चैत्र से शुरुआत होती है और चैत्र कब आता है चैत्र शुक्ल एक, एकम आपको मालूम है उस दिन हमारा राजस्थान दिवस तो तीस मार्च तो मार्च और अप्रैल के मध्य ही होती है ये तो ऐसे आपको देख लेना है अगले मार्च अप्रैल फिर अप्रैल मई मई जून जून जुलाई जुलाई अगस्त ऐसे करते हुए महा चलेंगे दूसरा महा है वैशाख वैशाख आपको मालूम है वैसाख, वैसाखी लेकर आता है फसल की कटाई होती है वैसाखी आती है ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, तो मेरे नैना सावन भादो तो फिर क्या आएगा भाद्रपद इसको राजस्थान में भादुड़ा भी बोलते हैं, भादुड़े रे दूज ने चमक्योजी सितारो पालन में खेलने आयो पालन हरोग इसके लिए कहा जाता है बाबा रामदेव जी के लिए तो रामदेव जी का मेला भी पड़ना है हमें सातवें की बात करें तो कार्तिक मार्गशी नवा पोष महा और माघ एक मिनट कोई सा रह गया है चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन रह गया है बीच में अश्विन कार्तिक मार्क्स पौष माघ और बारवा कौन सा हो गया फागुन तो बारवा माह कौन सा हो गया फागुन दोबारा से लिख देता हूं ये आपको याद होने चाहिए देखिए तीस मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया था उस दिन जब तीस मार्च उन्नीसो की बात कर रहा हूं जो जुड़े अभी। एक बार देख लेता हूं कौन कौन जुड़ गया है कमेंट्स अभी तक किसी ने किया नहीं है शायद अभी इसलिए शो नहीं हो रहे हैं तो भारतीय है वर्ष के महा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद कार्तिक अश्विन कार्तिक मार्क्शिक पौष एवं माघ तथा फागुन इस प्रकार से ये हमारे भारतीय माह है और ये किस में काम आएंगे जब हम त्योहार पढ़ेंगे त्योहार पढ़ेंगे तब ये काम आएंगे अभी मेलों में सिर्फ मैं आज आपको कुछ एक मेले पढ़ाऊंगा मेलों का परिचय दूंगा फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे हम क्वेश्चंस पे आज ज्यादा चर्चा रहेगी सबसे पहली बात करते हैं कपिल मुनि का मेला तो कपिल मुनि जो गणित के जानकार थे सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कोलायत बिक्कानेर कोलायत बिक्कानेर में कब बढ़ता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को कार्तिक माह की पूर्णिमा को बढ़ता है कपिल मुनि का मेला बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जसनाथ जी का मेला मनसा देवी का मेला इसके अलावा करणी माता का मेला करणी माता का मेला वर्ष में दो बार भरता है नवरात्र कब कभ कब आते हैं एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से अश्विन चैत्र महीना आवे तो अश्विन और चैत्र अश्विन से याद आया विजयदशमी पर दशहरे का मेला कोटा जो कि विश्वव्यापी फेमस है कहाँ भरता है कोटा में तो ऐसे चीजों को याद रखना है तो कपिल मुनि का मेला हमने पढ़ लिया है कर्णी माता का मेला दूसरा मेला हमारा देशनोक बिकानेर देशनोक बीकानेर में भरने वाला मेला है और चैत्र और अश्विन माह में बता चुका हूं ऑलरेडी तो नवरात्रों में भरता है तो वर्ष में दो बार भरने वाला मेला है कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से मैं आपके कमेंट्स का भी वेट करता रहता हूँ साथ साथ तो सीधा सीधा जो प्रश्न है अभी ये आएगा करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है तो देशनोक बीकानेर अभी त्यौहार तिथिया इत्या इत्या इत्यादि हैं वो धीरे धीरे याद करा दूंगा कोई समस्या वाली बात नहीं है कल्याण जी का मेला तो कल्याण जी का मेला कहाँ भरेगा कमेंट करके बताइए डिग्गी में कल्याण धनी मारो सावरी हो सरकार जी डिग्गी डिग्गी कहाँ है टोंक में नवाबों का शहर टोंक डिग्गी तो में कल्याण धनी याद रखना है कल्याण जी का मेला कमेंट करके बताइएगा एक बार वर्ष में तीन बार भरता है श्रावण अमावस्या कितनी बार वर्ष में तीन बार भरने वाला मेला है पहला तो मैंने बताया श्रावण अमावस्या श्रावण की अमावस को वैशाख वैशाख के बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी श्रावण की अमावस्या को वैशाख की पूर्णिमा को और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वर्ष में तीन बार भरने वाला मेला है ये श्रावण अमावस्या को वैशाख पूर्णिमा को और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यह तीन बार वर्ष में बढ़ता है मेला श्रावण अमावस्या वैशाख पूर्णिमा एवं भाद्रपद शुक्ल एकादशी ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपको मालूम है पूर्णमासी ये चंद्रमा पर आधारित होते हैं जब अमावस आती है तो अमावस तक पूर्णिमा से अमावस तक होता है कृष्ण पक्ष और जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है तो अमावस्या की काली रात आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं अमावस्या और अमावस्या से वापस पूर्णिमा पर जाते हैं तो इसे बोलेंगे हम शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी कैला देवी का मेला तो कैला देवी का मेला आपको मालूम है करौली कैला देवी के मंदिर में होता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है यहाँ पर क्योंकि तो कैला देवी आपको मालूम है मां अंजना का प्रतीक है और लांगुरिया हनुमान जी का प्रतीक है कब कब होता है ये चैत चैत्र कृष्ण अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक होने वाला है ये मेला है कैला देवी का मंदिर आपको मालूम है काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुटा पर्वत पर है गोगा जी का मेला देखिए दो जगह भरता है गोगा जी का मेला एक तो ददरेवा और दूसरा दूसरा कहाँ बढ़ेगा गोगा जी का मेला आपको मालूम है गोगा जी हमारे लोक देवता अभी जल्दी से हम प्रश्नों पर चल रहे हैं एक बार आप दूसरा जगह बताइए कौन सी जगह बढ़ता है गोगा जी का मेला एक तो मैंने बता दिया ददरेवा चूरू में दूसरा बताइए ददरेवा चूरू में अरे एक नाम से है ना भैया इतनी जल्दी भूल भी जाते हैं गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में एक जन्मस्थली है ददरेवा चूरू हनुमानगढ़ उनकी स्मृति में बनाया जाता है और आपको मालूम है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इसी दिन पशु मेला भी भरता है पशु मेला भी भरता है ददरेवा का मेला ऑलरेडी बता चुका हूं ये नागौर का मेला नागौर से याद आया होगा आपको कुचामनी ख्याल लच्छीराम तो नागौर का मेला अगर बताएंगे तो माघ माह में भरता है माघ माह में और राजस्थान आरटीडीसी के द्वारा यहाँ पर पशु मेला भी लगाया जाता है पशु मेला भी लगाया जाता है जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है पशु मेला भी लगाया जाता है जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है ये भी चीज आपको याद रखनी है तो पर्वत सर का मेला भी कहाँ लगेगा पर्वत सर कहाँ है नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर और मालूम है आपको पर्वत सर में नागौरी बैलों की बहुत ज्यादा बिक्री होती है नागौरी बैलों की बिक्री होती है तो पर्वत सर नागौर तो नागौर में नागौरी मेला नागौर का मेला और नागौरी बैल इसका मतलब पर्वत सर का मेला दोनों चीजें याद रखनी है तो चलिए प्रश्नों पर ही चल ले, ले चलता हूँ मैं आपको क्योंकि अभी कुछ एक मेले डिस्कस कर लिए हैं कुछ एक करने बाकी हैं जल्दी से बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिए क्लास ताकि हम लोग बेणेश्वर का मेला आपको माही सोम जाखम नदी पर लगने वाला मेला है इसको आदिवासियों का पुष्कर भी कहा जाता है ये त्रिवेणी संगम पर लगने वाला मेला है तो त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं चलिए हम सीधे चल रहे हैं प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए गणेश जी का मेला को तो मालूम है ये बाकी मेलों को अभी डिस्कस करने वाले हैं गणेश जी का मेला कहां लगता है रणथंबोर गणेश चतुर्थी पर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है जल्दी बताइए कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं मैं कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हिंदी हिंदी, हिंदी में गोडावण बोलते हैं एमरेल डॉग इंडियन रोलर या ब्लैक ब्ले, फ्रेंकोलिन आपके कमेंट नहीं हो रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए जी बिल्कुल इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाड़ोती क्षेत्र में नहीं आता है हाड़ोती क्षेत्र में कौन सा हाड़ोती क्षेत्र में नहीं आता है आपको अगर हाड़ोती का मतलब क्लियर होगा तो ही आपको समझ में आएगा हाड़ोती में कौन कौन है कोटा है बारा है बूंदी है और एक एक और रियासत जो तो कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी सर, जो सबसे नई रियासत मानी जाती है जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोगों का तो कोटा बारा बूंदी तो आपको मालूम है आ गया है किसके अंतर्गत हाड़ोती क्षेत्र में झालावाड़ तो यहां आंसर होगा पाली क्योंकि पाली मारवाड़ से संबंधित है मारवाड़ से संबंध होने के कारण और भी चीज रखनी है यहां पर जवाई बांध भी स्थित है और यहाँ पर जो पादरला गांव है वहां से तेराताली नृत्य का उद्भव होता है मांगी बाई आपको मैं कई बार बता चुका हूं मांगी बाई ने उन्नीस में गाड़िया लुहार महोत्सव में नेहरू जी के सामने नृत्य किया था लेकिन मुख्य स्तर रोनीचा है तेराताली नृत्य क्योंकि कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं अभी रामदेव जी का मेला जब आपको पढ़ाऊंगा तो यह बताऊंगा कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ताली नृत्य किया जाता है जो रामदेवरा में भरता है बाबा रामदेव जी का मेला जैसलमेर कौन से माह में भाद्रपद की दूध से ग्यारह तक और ये शुक्ल से शुक्ल पक्ष की भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल ग्यारह तक ये मेला चलता है काली बंगा एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल के राजस्थान के किस जिले में स्थित है राजस्थान के किस जिले में स्थित है जल्दी से बता दीजिएगा आज आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ मैं मैंने कहा मेले वेले तो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा भी दिए हैं मेले मैं चाह तो यही रहा था कि मेलों के ऊपर पूरी क्लास रखी जाए जी बिल्कुल हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ से याद रखना है गोगा मेड़ी। गोगा मेडी जहाँ पर पशु मेला भी लगता है ये भी चीज याद रखनी है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है मतलब कि पाकिस्तान के साथ सीमा जिसकी नहीं लगती है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा बाड़मेर जोधपुर श्रीगंगानगर जैसलमेर आपको मालूम है जोधपुर का विले जो अगर होता है तीस मार्च उन्नीस को हुआ राजस्थान में जिसका की उद्घाटन आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल करने के लिए आए थे हनुमंत राव वहां के जी बिल्कुल जोधपुर जोधपुर के दर्शनीय स्थल भी आपको पता होने चाहिए मेहरानगढ़ का किला और दूसरा है छीतर पैलेस जिसको बोलते हैं उम्मीद भवन और तीसरा आता है जसवंत थड़ा सफेद मार्बल से बना हुआ जसवंत थड़ा चलिए आगे चलते हैं अब निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है देखिए दो तरीके कल्चरल हेरिटेज होती है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और एक इनटेंजिबल इनटेंजिबल वो होती है जो बौद्धिक क्षमता इत्यादि पर आधारित होती है बौद्धिक क्षमता इत्यादि पर आधारित होती है जैसे कि कोई नृत्य हो गया कोई शैली हो गई लेकिन बिल्डिंग इत्यादि होती है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये बिल्कुल कालबीलिया नृत्य गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है 2006 में उनको पद्मश्री भी मिला था कच्ची घोड़ी आपको पता है कहाँ किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में घूमर लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है तेरा ताली पादरला गांव और रोनीचा दोनों जगहों का याद रखना है किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं अच्छा अमूर्त का गुलाबो इज रिलेटेड विद विच डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान इज इंक्लूडेड इन द इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ द यूनेस्को ये पूछ रहे हैं इसका देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे देर आर सम थिंग्स विच आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट उससे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल थिंग्स केवला देव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंटेलिजिबल का मीनिंग जिबल का करना आता है, suppose, या मुझे कोई नृत्य करना आता है तो सामने से कोई देख कर पहचान पाएगा क्या इट इज एन आर्ट एन आर्ट इज इंटेंजिबल जब उसको परफॉर्म करते हैं तब तो वो लोगों को दिखाई देता है संदीप जी भरतपुर है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले का नाम गोल्डन सिटी रखा गया है देखिए याद रखना है ब्लू सिटी सन सिटी पिंक सिटी लेक सिटी तो लेक सिटी तो उदयपुर है पिंक सिटी जयपुर है सन सिटी जोधपुर है ब्लू सिटी भी जोधपुर है गोल्डन सिटी कौन सी है तो गोल्डन सिटी है बिल्कुल जैसलमेर सोनार दुर्ग के कारण सोनार किले के, के कारण जैसलमेर इसका आंसर है अभी राजस्थान के दुर्ग पर भी क्लास लेकर आऊंगा आज मैं मेले संपूर्ण पर आने वाला था लेकिन मैं इनको त्योहारों के साथ ही लूंगा अभी काफी मैंने करा दिए हैं दस एक मेले जो इम्पोर्टेंट हैं सिंपल सा उसका डिस्कशन दिया है अभी देखिए मेलों को आप इसका आंसर करते रहिएगा संभागीय स्तर पर होने वाले मेलों को लेकर आऊंगा जैसे अलवर की बात करते हैं अलवर कौन से संभाग में आता है पलवर की बात करें तो आपको मालूम है महाराजा भर्तृहरि का मेला सुनते जाइएगा साथ साथ सारे मेले भी करा रहा हूँ पांडुपोल का मेला जी जयपुर संभाग में आता है बिल्कुल तो जयपुर में आपको बूंदी है इसका आंसर अलवर में अगर हम बात करते हैं तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी है मूसी महारानी की छतरी है और ये मूसी महारानी की छतरी बक्तावर सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी राजस्थान राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है राजस्थान राज्य गठन दिवस राजस्थान राज्य गठन दिवस आज सुबह राजस्थान का एकीकरण एक पूरा करा दिया है अब ये मेलों पर लास्ट में एक बार और चर्चा कर लेंगे जो जो आज समझाए हैं हालांकि ज्यादा नहीं समझाए मेले मैंने आपको सुरप्रीत तो कौर जी नवंबर आंसर कर रहे हैं बाकी लोग भी कीजिए आंसर फर्स्ट नवंबर बिल्कुल 1956 फर्स्ट ऑफ नवंबर और फिफ्टी सिक्स एक राजप्रमुख उन्नीस सौ छप्पन को बाय बाय करते हुए राज्यपाल में कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट नवंबर है बिल्कुल सही कह रहे हैं आंसर आप राज्यपाल की पोस्ट को चेंज करके सॉरी राजप्रमुख की पोस्ट को चेंज करके राज्यपाल में कर दिया गया और ये चीज याद रखना सातवें चरण की समाप्ति थी सातवें चरण की समाप्ति थी और अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ दिया गया था किसके सिफारिश पर नहीं राजस्थान दिवस ये नहीं है राजस्थान दिवस तीस मार्च उन्नीस को चौथा चरण जिस दिन संपूर्ण हो गया था फजल अली आयोग जिसका दूसरा नाम क्या था स्टेट कमीशन एसआरसी चौदह राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे देश को बांटा था फजल आयोग उस दिन इसलिए माना गया था क्योंकि जोधपुर इत्यादि जोड़ दिए गए थे क्योंकि जो सबसे सेंसिटिव जोन था वो राजस्थान में आ गया था और फिर 30 मार्च आपको मालूम है उस दिन नव वर्ष भी था तो कहा कि चलो अब तो राजस्थान बन ही गया अब जो तो छोटे मोटे हैं या जो बाकी के एरिया हैं तो आसानी से आ ही जाएंगे क्योंकि तो वो पहले से भी राजस्थान में आ रहे थे राजप्रमुख की पोस्ट गवर्नर में चेंज हो गई है राजप्रमुख ये एक नवंबर 1956 से हुआ था ये राज प्रमुख की पोस्ट और राजस्थान नाम फाइनलाइज हुआ था छब्बीस जनवरी 1950 को जिस दिन सिरोही को जोड़ दिया गया था राजस्थान में सिरोही को आपको मालूम है दो टुकड़ों में बांटना चाह रहे थे लेकिन ऐसा होने नहीं दिया राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है जो भी लोग हैं लाइव एक बार आंसर बराबर से करते रहिए राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है जी हां राजपुताना से राजस्थान हुआ था राजपुताना से राजस्थान हुआ था क्योंकि तो ये राजपूतों के द्वारा ये चलाया जा रहा था इस यहाँ पर राजपाट इसलिए इसको राजपूताना कहा गया था कभी समय मिले तो यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री है वो जरूर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है उसे सर्च कीजिएगा अलवर बी एफ आई करके सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे अलवर दरबार का एक दस मिनट की डॉक्यूमेंट्री है शायद आपने देखा भी हो उसे और नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा जैसे अंजू महला जी, पंजाब है एट्टी नाइन किलोमीटर्स सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है तो दस मिनट के आसपास का एक वो वीडियो है इसमें महाराजा तेज सिंह के ऊपर फिल्माया गया है वो कि किस तरीके से आप देखना आज क्लास के बाद यूट्यूब पर अलवर बी करके सर्च करना तो वहां पर दिखाया जाता है किस तरीके से ब्रिटेन का झंडा और साथ साथ अलवर रियासत का झंडा साथ साथ चलता था क्योंकि वो सब ब्रिटेन के सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे और ये सर्वोच्चता कब समाप्त हो गई धारा आठ सेक्शन एट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सेक्शन एट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने बोल दिया था कि अब ब्रिटेन की सर्वोच्चता इन रियासतों पर से समाप्त कर दी जाती है तो वहां पर बताया गया है कि उसको राजपुताना क्यों कहा गया है राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा टाइगर कैमल एलिफेंट और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी चीज याद रखना आप लोग जो राजस्थान पुलिस इत्यादि का एग्जाम दे रहे हैं मैं मेरी हर क्लास में मैं प्रश्न जरूर लेकर आता हूं हाँ दिल्ली बीएफआई भी है वो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है देखो आपको बता देता हूं 1840 के आसपास लगभग राजपुताना में कैमरास आने लग गए थे तो वहां से ही आपको फोटो ज्यादातर देखने को मिलेंगी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपनी सीरीज चलाई थी ये कैमल नहीं है चिंकारा है चिंकारा तो बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे और ब्रिटिश पैथे एक अलग से साइट है जिस पर बहुत सारे इंडिया के पुराने पुराने वीडियोस हैं जिन्होंने उन अंधविश्वासों के कईयों में मजाक भी उड़ा रखा है ब्रिटिश हैं, जैक कार्डिफ है तो इनकी काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंस इन, से पहले की भी हैं और नाइन्टीन नाइनटीन जीरो से भी शुरुआत होती है और फोटोज तो बहुत सारी मिलेंगी आपको पाय सागर झील कहाँ स्थित है देखिए वहां स्थित है जहां पर एक दूसरी झील भी स्थित है और उसके पास सुभाष उद्यान है और बारादरी भी बना हुआ है उसमें कल की क्लास मिस मत कीजिएगा साढ़े बारह बजे राजस्थान के दर्शनीय स्थलों पर करवाऊंगा मैं काफी सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा यूट्यूब पे रहेगी कल क्लास जी इसका आंसर है अजमेर और दूसरी झील है वहां पर आना सागर अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी अजयराज चौहान जी के द्वारा अजयराज चौहान इसलिए इनको अजमेरू कहा जाता था पूर्व में फिर रणोराज चौहान के द्वारा ये आना सागर का निर्माण हुआ एक ब्रिटिश इंजीनियर फॉय के द्वारा फॉय सागर का निर्माण हुआ साथ ही साथ अज अजमेर उस समय ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में रहा था इसलिए ज़्यादातर आपको वहाँ पर विकास देखने को मिलेगा ज़्यादातर पुराने पुराने जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं चाहे वो मेहो कॉलेज हो चाहे सेंट मैरी स्कूल हो चाहे सेंट पॉल स्कूल हो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नई नई ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि पुराने ज़माने से हैं और साथ ही साथ एक चीज और है कि ढाई दिन का झोपड़ा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पुष्कर पुष्कर के मेले के बारे में बता चुका हूं कार्तिक मास में लगता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस ये तो गलत नहीं होना चाहिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है सुरप्रीत कौर अंजू महाला बिल्कुल सही बात है तीस मार्च तीस मार्च को मनाया जाता है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर देखिए नागपुर संतरों के लिए फेमस है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है सुरप्रीत कौर जी झालावाड़ आंसर कर रहे हैं जी बिल्कुल झालावाड़ी इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा बसाई गई एकमात्र रियासत सबसे न्यू सबसे नई रियासत हुआ करती थी ये जी संदीप जी झालावाड़ है बिल्कुल झालावाड़ है आंसर कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है उदयपुर बारह धौलपुर तो बारह आपको पता है सबसे ह्यूमिड एरिया है राजस्थान में धौलपुर उदयपुर बांसवाड़ा उदयपुर बारह धौलपुर बांसवाड़ा आंसर कर रहे हैं सुरप्रीत जी बाकी लोग भी बता दीजिए जल्दी से जी बिल्कुल अभी ईएडी पर चल रहे हैं अभी आने वाली क्लासेज में आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलेगा नो no प्रॉब्लम जितना पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चंस का जो जितना इजी एवरेज लेवल हो सकता है उसमें है बिल्कुल बांसवाड़ा बांसवाड़ा बिल्कुल बनास नदी का स्रोत है आने वाली क्लासों में आपको प्रश्नों का स्तर और भी वैसा मिलेगा जैसे पहले कराता रहा हूं बनास नदी का स्रोत है खमनौर की पहाड़ियां बैराट की पहाड़ियां कुंबलगढ़ की पहाड़ियां या गोगुंदा की पहाड़ियां जी बिल्कुल खमनौर की पहाड़ियां वो बन की आशा कहा जाता है स्थानीय भाषा में और बीसलपुर बांध भी इसी पर बना हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शहर का उपनाम ब्लू सिटी है देखिए ये प्रश्न आया हुआ है आपके एक संगणक की परीक्षा हुई थी संगणक की परीक्षा 2018 में उसमें आया हुआ प्रश्न है ये तो जोधपुर है इसका आंसर बिल्कुल जोधपुर है क्योंकि तो ज्यादातर घरों का रंग नीला है वहां पर निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए बम फेंकने के लिए जिम्मेदार था तो ये 1912 का दिल्ली षड्यंत्र ऑलरेडी बता चुका हूं राजस्थान का इतिहास पढ़ना है तो अठारह 1905 और 1912 ये मुख्य वर्ष हैं जहां से राजस्थान में क्रांति थोड़ी सी कठिन हो जाती बिल्कुल बहुत तो केसरी सिंह बारेट नहीं थे इसमें प्रताप सिंह बारेट एंड जोरावर सिंह बारेट जोरावर सिंह केसरी सिंह जी के भाई थे और प्रताप सिंह उनके वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर बिल्कुल ले लेंगे केवल राजस्थान की ना केवल राजस्थान की या पूरे इंडिया की जो राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन्हीं का ही बोल रहे हैं ना सुरप्रीत जी या फिर बाकी सबका बोल रहे हैं ओके राजस्थान की हो जाएगी अभी जयपुर का तो बताए आप जो परकोटा है और जंतर मंतर है कल जब आप क्लास लेंगे कल साढ़े बारह में इसको जोड़ दूंगा मैं कल जो साढ़े बारह वाली क्लास है राजस्थान के पर्यटन दर्शनीय स्थल उसमें मैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल विरासतें हैं उनको जोड़ दूंगा चल ठीक रहेगा तो कल साढ़े बारह वाली क्लास में ये काम हो जाएगा ये चित्रांगद मौर्य गढ़ तो बाकी गढ़ नहीं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया चित्रांगद मौर्य निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर माना जाता है कि मेवाड़ में सोने के सिक्कों का शुरू किया था जिन्होंने सोने के सिक्कों को शुरू किया था राणा सांगा राव, रावल रतन राव राजा रतन सिंह राणा कुंभा या बप्पा रावल बप्पा रावल आपको मारू है हरित ऋषि की गाय चराया करते थे और फिर उनको मेवाड़ की रियासत मिली बप्पा रावल राणा सांगा राव राजा रतन सिंह या रावल रतन सिंह राणा कुंभा जब मैंने आपको एक बार नहीं आपकी क्लास में तो नहीं हुआ है पूरा का पूरा ये जब पढ़ाया था तो इसके बारे में जो साखा हुआ था वो भी बताया था आज तो उसमें नहीं चलूंगा काफी लंबा टाइम खिंच जाएगा एस का विस्तार है एस टी टी पी देखिए राजस्थान पुलिस का एग्जाम निकट है तो जो भी विद्यार्थी हैं वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले वो क्लासेस को जरूर अटेंड किया कीजिए क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन ज्यादातर वही कराऊंगा जो हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल जी बिल्कुल हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल शुरुआत में एस टी टी पी ऐसे लिखा हुआ आता है उसके बाद फाइल एक्सटे वेबसाइट एक्सटेंशन बिल्कुल हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही बात यूआरएल का विस्तार है यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वाईफाई का भी याद रख लेना वायरलेस फेडिलिटी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से संदीप जी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कर रहे हैं सुरप्रीत जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कर रहे हैं क्या होगा आंसर ये इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर गलती मत करना आपको यू देखकर लगता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखिए जो वेबसाइट एक्सटेंशन होते हैं उसको समझिएगा पहले लाइक डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू डॉट अन अकेडमी डॉट कॉम कॉम स्टैंड फॉर कमर्शियल अगर यहाँ पर एन आई सी नेशनल डॉट इन इसका मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर डॉट मिल दैट मीन्स मिलिट्री की है डॉट और ओ आर जी किसी ऑर्गेनाइजेशन की है अब डॉट के लगा हुआ है इसका मतलब वो साइट कहाँ की है पाकिस्तान की है लेकिन ये कॉम और ये पी के ये और ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है आप कहीं से भी साइट को एक्सेस कर सकते हैं आप कहीं से भी बैठकर एक्सेस करेंगे साइट को तो यही एक्सटेंशन के साथ ही आपको एक्सेस हो जाएगी इसलिए इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मरु महोत्सव मरू महोत्सव के बारे में बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है जैसलमेर कहाँ मनाया जाता है जैसलमेर नो no प्रॉब्लम जैसलमेर में मनाया जाता है अभी एक चीज़ जो आपको बतानी है उसको आप देख लीजिए पहले एक बार वेट कीजिएगा जस्ट वेट कि सबसे काम की चीज़ है जो मैंने आज आपको बताई है वो ये जरूर याद रखना है आपको कि भारतीय वर्ष के महा आपको याद होने चाहिए क्योंकि मैं अब आपको त्योहार भी पढ़ाऊंगा सिर्फ आज एक मेला बहाना था आप लोगों को देखिए मेले किस लिए होते हैं किसी प्रायोजन किसी जन्मदिवस किसी विशेष चीज को बर... सेलिब्रेट करने के लिए मेले का मतलब क्या होता है जहाँ पर मेल होता है लोगों का ठीक है तो पंजाब और ज्यादातर जहाँ खेती आधारित उद्योग होते हैं या खेती होती है वहाँ पर मेलों का आयोजन भी ज्यादा होता है और बाकी लोग देवताओं के तो मेले होते ही होंगे होंगे ही होंगे जितने भी लोक देवता होंगे उनके ज्यादातर के सभी के ही मेले होंगे तो राजस्थान इस उन्नत दृष्टि की संस्कृति है उन्नत मतलब की तरीके की संस्कृति अपने आप में तो देखिए सबसे सर्वप्रथम महा चैत्र चैत्र मार्च और अप्रैल के बीच में ये रहता है चैत्र का अगला महीना वैशाख तो अप्रैल और मई के बीच में ज्येष्ठ ज्येष्ठ किसके बीच में रहेगा मई और जून ज्येष्ठ में क्या पड़ने लग जाती है गर्मी जेठ का महीना भी बोलते हैं इसे क्योंकि तो सबको एक तरीके से ये अः जिसको बोलते हैं घूंघट में रहने मजबूर कर देता है इसलिए जेठ का महीना भी बोलते हैं आषाढ़ तो मई जून जून जुलाई श्रावण जुलाई अगस्त बरसात का महीना सावन के बाद भाद्रपद भाद्रपद के बाद अश्विन अश्विन के बाद कार्तिक कार्तिक के बाद मार्क्शिस और मार्गशी के बाद बाद पोष पोष का महीना आपको मालूम है जनरली जनवरी में आता है माघ फिर फागुन इस तरीके से ये बारह के बारह महीने याद रहने चाहिए आपको और उसके बाद जो तो पूर्णमासी तक चलता है वो चलता है कृष्ण पक्ष और फिर यहां से यहां तक पंद्रह दिन का चलता है शुक्ल पक्ष पूर्णमासी से अमावस तक जो चलता है वो कृष्ण पक्ष और अमावस से जो फिर पूर्णमासी तक चलता है उसे हम क्या बोलेंगे शुक्ल पक्ष जैसे कैला देवी का मंदिर जो वो है तो चैत्र इसके बारे में जो हमने बात कही थी कि अष्टमी से लेकर अगली अष्टमी तक चलता है तो संभागीय मेलों की बात करें तो बीकानेर की कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला जसनाथ जी का मेला मनसा देवी का मेला कर्णी माता का मेला ये कुछ मेले हैं उसके बाद जाम्बेश्वर जी का मेला जो कि मुकाम गांव बीकानेर में होता है मरु महोत्सव के लिए पूछा है उसके बारे में बता देंगे कब से आयोजन हो रहा है क्या क्या विविधता है वहां की थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है वो करा दूंगा कोई इशू नहीं है तो कोई चीज अगर आपको रह गई हो तो प्लीज एक बार मुझसे पूछ सकते हैं ये जो मेले ये मेल त्योहार याद करने के लिए आपको ये हिंदी महा जरूर याद कर लेने आप कैसे भी इसको याद कर लेना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन ये बारह के बारह महीने याद कर लेने हैं कृष्ण पक्ष क्या होता है शुक्ल पक्ष क्या होता है ये चीज बता चुका हूं मैं तो यहाँ अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि तो इसको तो करना ही पड़ेगा आपको अन्यथा बड़ी दिक्कत आने वाली है त्योहारों को पढ़ने में करणी माता का मेला आपको मालूम है देश नोक में लगता है करणी माता में और साल में दो बार लगता है क्योंकि नवरात्रि भी दो बार आते हैं कब कब आते हैं अश्विन माह में और चैत्र माह में अश्विन माह में और चैत्र माह में दो बार नवरात्रे आते हैं तो दोनों बार ही मेला भरता है मैया का और रामदेव जी का मेला मैंने आपको बताया भादपत शुक्ल द्वितीया से भादपत्र शुक्ल एकादशी तक भादवा भी बोलते हैं भादुड़ा भी बोलते हैं राजस्थान में भाद्रपद को भादुड़ा तो ये हम लोगों ने कल्याण जी का मेला आपको डिग्गी में कल्याण धनी याद भी कराया था तो डिग्गी कहाँ है टोंक में वर्ष में तीन बार श्रावण की अमावस्या पर वैशाख की पूर्णिमा पर और भाद्रपद शुक्ल की एकादशी पर ये मेला भरता है वर्ष में तीन बार भरता है ये मैंने पक्ष आपको बताए थे श्रावण की अमावस्या वैसाख की पूर्णिमा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी कैला देवी का चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक तो लगभग कितने दिन हो गए जल्दी से बताएंगे कोई कमेंट करके अभी समझाया है दोनों पक्षों में पंद्रह पंद्रह दिन होते हैं जी डिग्गी जगह है डिग्गी मालपुरा डिग्गी जगह है बाजे से नोबद बाजा मारा डिग्गी पुरी का राजा गाना सुना होगा आपने लोकगीत है फेमस लोकगीत है पंद्रह दिन कृष्ण पक्ष में होते हैं और पंद्रह दिन ही शुक्ल पक्ष में होते हैं तो ये कितने दिन चलेगा ये मेला अगर अभी नहीं बता पाएंगे नहीं सुना तो कोई बात नहीं मैंने सुना दिया तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक चलने वाला ये मेला है कैला देवी का मेला करौली में बढ़ता है गोगा जी का मेला तो दो जगह ददरेवा और गोगा मेढी हनुमानगढ़ में तो ये माघ माह में नागौर का मेला जो भरता है साथ ही साथ ये राजस्थान का सब दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला भी है क्योंकि आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसे एक पशु मेले के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया है पर्वत सर का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी पर भरता है नागौर में ही भरता है नागौरी बैलों की बिक्री होती है यहाँ पर पुष्कर का मेला कार्तिक मास में बेणेश्वर का मेला त्रिवेणी संगम माही सोम जाखम में भरता है और माघ पूर्णिमा पर यह मेला होता है माघ पूर्णिमा को यह मेला होता है इसे आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है बाकी अभी ये रामदेव जी का मेले के बारे में बता चुका हूं गणेश जी का मेला रणथंबोर और गणेश चतुर्थी पर अभी सिर्फ आपका मैंने माइंड एक तरीके से हल्का सा गर्म किया है मेलों को पढ़ने के लिए धीरे 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 इसमें अभी और ज़रूरत पड़ेगी जब मैं त्यौहार पढ़ाऊंगा तो मैं आज आप महा तो याद कर लेना त्यौहार पढ़ाऊँगा तो मेले अपने आप याद होंगे मेले अपने आप याद होंगे क्योंकि तो वो त्यौहारों की गलिया कोट उसकी बात करें तो गलिया कोट कहाँ है डूंगरपुर में डूगरपुर में है गलिया कोटूर गलिया कोटूर डूंगरपुर में होता है और साथ ही साथ मोहर्रम माह की सत्ताईस तारीख तक मोहर्रम माह की सत्ताईस तारीख कौन है संत सैयद फकरुद्दीन और ये जो गलिया कोट है ये दाऊदी बोरा मुस्लिम समुदाय का स्थान है ठीक है प्रसिद्ध केंद्र है दाऊदी मुस्लिम समुदाय का और एक सर्वधर्म संभाव वाली जो बात बताई है वो रामदेव जी का मेले के बारे में कहा जाता है ये प्रश्न हमने कर लिए हैं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करी थी क्लास वो देख सकते हैं दोबारा से प्रश्न पहला मुहर्रम माह जी वो जो हिजरी संवत का होता है वो उसके बारे में तो अभी मुझे याद तो है लेकिन वो एग्जैक्टली याद नहीं है देखिए सीधा सा बात कहना कि एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस तरीके से हिजरी हिजरी के महीने आते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा हालांकि वो काम के नहीं है वो काम के नहीं है एनीथिंग एल्स तो देखिए राजस्थान का राजपक्षी तो आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैंने बता दिया था गोनावन दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताया था कि पाली नहीं आता है क्षेत्र क्षेत्र में। आडोती में इसकी जगह झालावाड़ आता है तीसरे प्रश्न में मैंने बताया काली बंगा काली का मतलब ब्लैक कलर बंगा मतलब चूड़िया बंगा पंजाबी में बंगा बोलते हैं चूड़ियों को तो काली बंगा मिली थी कोई नहीं मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको वो करा दूंगा वंगा मिली थी तो इसलिए उसे काली वंगा कहा जाता है राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो अन्य राज्यों के मतलब कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझी नहीं करता है तो वो जोधपुर है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कालबेलिया 2010 हजार में जोड़ा गया कौन सी जाति करती है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा नेशनल पार्क जो कि साइबेरियन क्रेन साइबेरिया ठंड के मौसम में इधर आ जाते हैं क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती है पाचना बांध भी यहीं पर ही है डीक के महल लोहागढ़ दुर्ग खानवा का बैटल उसके अलावा बयाना जी सपेरा जाति के करते हैं बिल्कुल भरतपुर इसका आंसर है स्वर्ण सिटी जैसलमेर को कहा जाता है सोनार किले की कारण चौरासी खंबों की छतरी बूंदी में है राजस्थान राज्य गठन दिवस एक नवंबर उन्नीस को पूरा हो गया था राजस्थान के उत्तर में पंजाब स्थित है वैसे राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत के राजस्थान राज्य का राज्य पशु चिंकारा फाय सागर झील अजमेर में स्थित है राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि चौथा चरण पूरा हो गया था 30 मार्च उन्नीस को राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है और झालावाड़ी सबसे नवीनतम रियासत है अंग्रेजों द्वारा बसाई गई एकमात्र रियासत है कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है बनास नदी का जो जल है वो खमनोर की पहाड़ियों से आता है मतलब कि वहां से उद्गम होता है इसका और ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं क्योंकि वहां पर प्रत्येक अधिकतर बिल्डिंगों का कलर नीला है पुराने शहरों में लोड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की जो चांदनी चौक के पास कोशिश की गई थी जिसमें वह बच गए थे प्रताप सिंह बारेट और जोरावर बारेट चाचा भतीजा चित्रांगद मोरे के द्वारा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया गया था बप्पा रावल के जमाने में कहा गया था कि स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी जिसे देखिए आज की डेट में बात करें तो ऐसी मुद्रा नहीं चलती है ऐसी मुद्राओं को बोला जाता था फुल बॉडीड मनी क्या बोला जाता था फुल बॉडीड मनी ऐसा पैसा जिसकी मुद्रा जो मुद्रा की कीमत है वह है उसकी वस्तु की कीमत के बराबर हो सोना है चाहे बाजार में तोल के बेच दीजिए चाहे चला दीजिए उस समय की बात कर रहा हूं बराबर मुद्रा आया करती थी बराबर वैल्यू आया करती थी इसलिए पुराने जमाने में सिक्के चांदी सोने के चला करते थे अभी वर्तमान में जो मनी चलती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी क्या बोलेंगे क्रेडिट मनी जिसकी की मुद्रा वैल्यू ज्यादा है और उसकी जो वस्तु जो उसको बनाने में काम में ली ली गई है उसकी वैल्यू कम है एच की फुल फॉर्म की हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मरु महोत्सव जैसलमेर मरु महोत्सव के बारे में बोला गया है अगली क्लास में जरूर समझाऊंगा मरु महोत्सव के बारे में तो कोई समस्या है तो प्लीज़ बताइए कोई क्वेश्चन है तो बताइए आपके क्वेश्चंस दो तीन हैं जो आज मैंने पहला तो आपने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बोला है राजस्थान की बिल्कुल हो जाएगी कल की क्लास में ही हो जाएगी साढ़े बारह बजे कल क्लास है दूसरा आपने मरु महोत्सव के लिए बोला है तो मरु महोत्सव को समझा दिया जाएगा एनीथिंग एल्स कोई और समस्या है तो प्लीज बताइए कोई और अन्य शंका शक तो चलिए फिर अलविदा कहते हैं आज के लिए आशीष इलेवन मेरा रेफरल कोड है इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा अन अकेडमी पर मिलने वाले प्रत्येक कोर्स के लिए इससे आपको तुरंत दस परसेंट डिस्काउंट अन अकेडमी पर मिलने वाले प्रत्येक कोर्स पर मिल जाएगा और ये टेन परसेंट डिस्काउंट यस yes, मोस्ट वेलकम सुरप्रीत जी एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स ये राजस्थान वेलकम uh, संदीप जी राजस्थान एग्जाम्स के साथ साथ अन्य एग्जाम्स जिसमें यूपीएससी एसएससी बैंक इत्यादि सब प्रत्येक एग्जाम पर दस परसेंट का डिस्काउंट लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं और राजस्थान थ्री सिक्सटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो मेले पढ़ाए हैं उसमें मेले जो जो आज पढ़ाए हैं उसको एक बार आप नज़र जोड़ा लीजिएगा त्योहारों तो के साथ और क्लियर करा दूंगा अभी अभी लंबी दूरी तय करनी है सहभागीय स्तर पर भी मेले कराऊंगा जब मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा देखिए मैं सारी चीज़ लिंक करके पढ़ाता हूँ आप लोगों को जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो उसमें आर्ट एंड कल्चर भी लेकर आता हूँ हिस्ट्री भी लेकर आता हूँ तो वो सारी चीज़ें आती रहेंगी आज जो मैंने पढ़ाया है बहुत सामान्य स्तर पर पढ़ाया है आने वाली क्लासों में और इसको उच्च स्तर पर पढ़ाएंगे कारण यही है कि धीरे धीरे बढ़ाना है चीजों को एक साथ आप कोई भी याद नहीं कर पाता है तो रेगुलर जुड़े रहिए एक एक चीज आपको याद हो जाएगी जो बच्चे रेगुलर हैं उनको मालूम है आसानी से चीजें याद हो जाती हैं तो थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में